आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर आपको दे रहे, चेन्नई में टीम इंडिया ने 282 रनों का लक्ष्य दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम को। बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर किया गया है हमारे कई खिलाड़ियों की ओर से। फिलहाल भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया है 282 रनों का लक्ष्य। महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार पारी खेली, हार्दिक पांड्या ने शानदार पारी खेली और इस तरह से 282 रनों का ये लक्ष्य दिया है टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को। हार्दिक पांड्या ने 83 रन बनाए हैं, 5 चौके और 5 छक्के हार्दिक पांड्या की ओर से लगाए गए हैं। शानदार पारी, सबसे ज्यादा रन हार्दिक पांड्या ने बनाए हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने 79 रनों का योगदान दिया है। जाधव ने 40 रन बनाए हैं। केदार जाधव ने आज के इस मुकाबले में अपना पहला चौका लगाया और इस तरह से शानदार उन्होंने शुरुआत भी की थी। भारत के 11 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। विराट कोहली, कप्तान कोहली जब शून्य पर आउट हुए और साथ ही मनीष पांडे, उस वक्त काफी ज्यादा मायूसी देखी जा रही थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह का प्रदर्शन न सिर्फ हार्दिक पांड्या बल्कि महेंद्र सिंह धोनी की से किया गया, उसकी बदौलत 282 रनों का बड़ा स्कोर यहां पर खड़ा किया। टीम इंडिया ने 281 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को दिया है 282 रनों का लक्ष्य। भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, हार्दिक पांड्या ने 83 और महेंद्र सिंह धोनी ने 79 रनों का योगदान दिया है और इस तरह से 282 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम को बनाने होंगे। फिलहाल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज हार्दिक पांड्या की हम आपको पारी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले उनके जरा आंकड़ों पर हम नजर डाल लेते हैं कि आज किस तरह से आंकड़ों के जरिए शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की और इस तरह से 281 रन बनाने में टीम इंडिया कामयाब हुई है। यहां देखिए, 66 गेंदों में 83 रन हार्दिक पांड्या ने बनाए, जिनमें 5 चौके और 5 छक्के भी शामिल हैं। हार्दिक पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 83 रन बनाए हैं। 66 गेंदों में 83 रन उनकी ओर से बनाया गया, 5 चौके और 5 छक्के हार्दिक पांड्या ने आज चेन्नई के मैदान पर जड़े हैं। तो इस तरह से देखा जाए, सबसे ज्यादा हार्दिक पांड्या ने रन बनाए और उसके बाद दूसरे नंबर पर रहे महेंद्र सिंह धोनी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।